वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। दोस्तों, एक साल के इंतजार के बाद आज जाके 2017 की तेलुगु सुपरहिट फिल्म यानी राजू गड़ी गद्दी 2 का हिंदी डब वर्जन टीवी पे टेलीकास्ट होने वाला है, जिसका नाम रखा गया है शिवा द सुपर हीरो 3। क्योंकि दोस्तों, इस फिल्म को जी सिनेमा ने खुद डब करवाया है, इसलिए ये फिल्म आपको ऑफिशियली यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलने वाली है। अगर ये फिल्म कोई और अपलोड करता है तभी आपको यूट्यूब पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं, पर वहां पे भी कॉपीराइट का प्रॉब्लम रहने वाला है। तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को आज रात 9 बजे जी सिनेमा पर देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस मूवी को मैंने काफी पहले ही Amazon Prime पर देख लिया था। तो आइए देते हैं आपको इस मूवी का एक हिंदी रिव्यू और बताते हैं कैसी है ये फिल्म। राजू गड़ी गद्दी 2 2017 में आई एक तेलुगु हॉरर कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें लीड रोल में आपको नजर आने वाले हैं नागा अर्जुना, समांता और सेरत कपूर। बात करें मूवी की स्टोरी लाइन की, तो ये फिल्म कहानी है किशोर, प्रवीण और अश्विन नाम के 3 दोस्तों की, जो अपने कॉलेज खत्म होने के बाद डिसाइड करते हैं कि कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करें, और वो डिसाइड करते हैं कि क्यों ना एक रिसॉर्ट खरीदे और वहीं से अपने बिजनेस की शुरुआत करें। वहीं उस रिसॉर्ट पे एक निशा नाम की लड़की यानी सीरत कपूर आती है और फिर उन तीनों का दिल उस पर आ जाता है, और फिर ये तीनों ही दोस्त सीरत का दिल जीतने में लग जाते हैं। फिर अचानक से एक दिन उस रिसॉर्ट में कुछ भूतिया घटनाएं होने लगती है, जिसके बाद इन तीनों को पता चलता है कि उस रिसॉर्ट में एक आत्मा का वास है। क्या रुद्रा यानी नागा अर्जुन इस आत्मा से उनका पीछा छुड़वा पाएगा और आखिर क्यों ये आत्मा इन्हें परेशान कर रही है, यही आपको इस फिल्म की आगे की कहानी में देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, ये तो हो गई बात मूवी की स्टोरी लाइन की, अब ये बात करते हैं मूवी के कुछ प्लस पॉइंट्स की। तो इस फिल्म का जो सबसे पहला प्लस पॉइंट है वो है इस फिल्म में समांता की एक्टिंग। या दोस्तों, इस फिल्म में सेकंड हाफ के बाद समांता की एंट्री होती है, और जिस तरह से इस फिल्म में उनके खतरनाक एक्सप्रेशन है और उनका जो बेटी वाला रोल है, उन्होंने इन दोनों ही रोल्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया है। मूवी में नागा अर्जुन का रोल भी बहुत ही अच्छा है और उनके रोल को और दमदार दिखाता है इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक, जो उनकी मौजूदगी में इस फिल्म के बीच बीच में बजता रहता है। वैसे मुझे का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो विजय की कथी फिल्म से इंस्पायर्ड नजर आया। मूवी का जो अगला और आखिरी प्लस पॉइंट है वो है इस फिल्म में कॉमेडी और इमोशनल सीन्स। मूवी के फर्स्ट हाफ में आपको अच्छी कॉमेडी देखने को मिलने वाली है, वहीं आपको इस फिल्म के सेकंड हाफ में कुछ अच्छे इमोशनल सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं, जहां पर इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वहां पे आप थोड़े से इमोशनल हो सकते हो। दोस्तों, ये तो हो गई बात मूवी के प्लस पॉइंट्स की, अब ये बात करते हैं मूवी के कुछ माइनस पॉइंट्स की। दोस्तों, इस फिल्म का जो सबसे पहला और सबसे मेन माइनस पॉइंट है वो है इस फिल्म की स्टोरी लाइन, जो कि काफी पुरानी नजर आती है, जिसकी वजह से ये फिल्म एक टाइम पर बहुत ज्यादा बोरिंग नजर आने लगती है। मूवी में कॉमेडी तो अच्छी है, पर इस फिल्म में हॉरर ना के बराबर है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इस फिल्म को देखते वक्त कभी भी कहीं पर भी डर लगने वाला है। वैसे भी आजकल साउथ की जो हॉरर कॉमेडी फिल्में बन रही है वहां पर हॉरर तो ना के बराबर ही रह रहा है। दोस्तों, ये तो की बात मूवी के प्लस और माइनस पॉइंट्स की, अब आइए देते हैं आपको इस फिल्म का फाइनल वर्डिक्ट। तो एक लाइन में कहा जाए तो शिवा द सुपर हीरो 3 एक ठीक ठाक इमोशनल कॉमेडी फिल्म है, जिसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए समांता की दमदार एक्टिंग के लिए। मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 3.7 स्टार्स। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यहीं तक था आज का हमारा वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।